छतरपुर में 10वीं और 12वीं के छात्रों ने मेरिट सूची में बाजी मारी। जिले के 10वीं में 4 और 12वीं के रिजल्ट में अलग अलग समूह में 5 छात्र छात्राओं ने मेरिट में जगह बनाई। सबसे ज्यादा एक्सीलेंस स्कूल क्रमांक के छात्र छात्राओं ने मेरिट सूची में जगह बनाकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया। 5th निकिता चौरसिया रैंक 5th 490/500, नियति साहू रैंक 5th 490/500, अजय पटेल रैंक 6 489, उत्कर्ष विश्वारी रैंक 7th 488, 12वीं बोर्ड परीक्षा में गणित समूह अंकित चौबे रैंक 2nd 491, नेहरू उत्कर्ष स्कूल महाराजपुर कीर्ति चौरसिया रैंक 4th 488, नेहरू उत्कर्ष स्कूल महाराजपुर आर्ट समूह रोहित कुशवाहा रैंक 7th 480/500, कॉमर्स समूह गरिमा जैन रैंक 2nd 482/500, बायो समूह रकिता यादव रैंक 10 478, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुवारा छतरपुर, लवकुश पटेल रैंक 10th 478/500 ने मेरिट सूची में जगह बनाई। छात्र छात्राओं की इस कामयाबी पर स्कूल के टीचर खुश दिखे। क्या नाम भैया आपका? रोहित कुशवाहा। कौन सी क्लास? क्लास 12। किस तरह का कैसा रिजल्ट रहा? अच्छा रहा इस बार हमारा। कौन सी रैंक हासिल की है? किस 7th आर्ट सब्जेक्ट से। माता पिता और हमारी टीचर्स का। कहाँ से रहते हैं? हम यहीं से, छतरपुर जिले से। कैसा क्या संघर्ष रहा स्कूल का? कैसा स्कूल में सब बहुत अच्छा रहा, टीचर्स अच्छा से पढ़ाते थे, डाउट आते थे वो भी क्लियर हो जाती थी क्लास में। कौन से स्कूल में पढ़ती है और किस क्लास में? सर, गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल, क्लास 10th। कितना रैंक आया आपका अभी 10th के एग्जाम में? सर 5th रैंक। ऑल एमपी में? यस सर। कितना मार्क्स आया? सर 98% है सर, 490/500। कैसा महसूस कर रहे हैं आप और घर वाले? सर बहुत ही अच्छा, प्राउड फील कर रहे। कैसी क्या मेहनत रही, कैसा क्या संघर्ष किया आपने इसको लेकर के? सर बस हार्ड वर्क किया, बस स्टडी की, अपना रूटीनली रेगुलरली कंसिस्टेंसी बनाए रखे। कितने घंटे पढ़ते हैं? सर स्कूल के बाद 4 to 5 hours। स्कूल के बारे में बताइए, कैसी पढ़ाई होती है? सर अच्छी होती है, स्कूल बहुत सपोर्टिंग है, टीचर्स बहुत अच्छे से गाइड करते। कैसे किसको श्रेय देना चाहेंगे इसको लेकर के आप? सर सबसे पहले तो हम भगवान जी को देंगे, उसके बाद अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, फिर स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल सर और हमारे सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स। क्या करते हैं आपके फादर? क्या करते हैं? सर वो बिजनेसमैन है, उनकी साड़ी की शॉप है। अच्छा, आगे का क्या, कैसा आपका चयन करना चाहेंगे, आगे के लिए क्या सोच रखा है आपने? सर हम नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, सर मेडिकल कॉलेज के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि ताम्रकार है। किस तरह की हासिल की है रैंक, कौन सी क्लास में पढ़ती थी? 481 टोटल मार्क्स, जिले में मैं 2nd आई हूँ, क्लास 10th हाई स्कूल में। क्या क्या पढ़ाई का रूटीन रहा, कैसे आपने संघर्ष किया? पढ़ाई का रूटीन यही था कि डेली मुझे 4 hours पढ़ाई करनी है। ऐसा तो होता था कि मैं जो एक NCC कैडेट भी हूँ, मैंने NCC भी ली है, मैं अपने स्कूल की टीम से वॉलीबॉल भी खेलती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को ये लग रहा था कि अगर एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी में जाएंगे तो पढ़ाई थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब पढ़ाई का लेवल थोड़ा लो हो जाएगा। तो मैंने कवर करके रखा था कि डेली 4 hours पढ़ाई के लिए निकालनी है, चाहे वो कैसे भी निकालें। आप हासिल किए हैं रैंक आपने, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे पापा भी अभी आए हुए हैं, वो है पीछे। क्या कहना चाहेंगे? इसका श्रेय हम ऑब्वियसली अपने टीचर्स को, मैं स्कूल की प्रिंसिपल सर को, प्रिंसिपल सर ने इतना बढ़ावा रखा कि स्कूल में डेली आना है। स्कूल में आए टीचर्स हर तरह के डाउट सॉल्व करते हैं, हर तरह की मदद मिलती है, इससे बहुत अच्छा होता है कि हमें कोई भी डाउट है हम स्कूल आकर टीचर से फौरन बात कर सकते हैं। किस तरह से रिजल्ट रहा है और कितने बच्चों ने मेरिट सूची में? आज हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी 2024 का परीक्षा फल माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी हुआ है, जिसमें हमारे विद्यालय के बच्चों ने उपलब्धि हासिल की है। हमारे हाई स्कूल के 4 बच्चों ने और हायर सेकेंडरी के 3 बच्चों ने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 10वीं में हमारे निकिता चौरसिया ने 490 अंक प्राप्त करके 5वां स्थान प्राप्त किया है और कुमारी नियति साहू ने 490 अंक प्राप्त करके इसने भी 5वां स्थान प्राप्त किया है और तीसरे स्थान पर अजय पटेल जिसने 489 अंक प्राप्त करके 6वां स्थान प्राप्त किया है और अंतिम चौथा जो बच्चा है वो है उत्कर्ष विश्वारी, जिससे हमें बहुत सारी उम्मीद थी इस विश्वारी बच्चे से, लेकिन कहीं ना कहीं
इसमें कुछ अंकों की कमी हो गई, 489 अंक प्राप्त करके इसने 7वां स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह से हमारे 12वीं के बच्चों में कॉमर्स समूह में गरिमा जैन, जिसने 482 अंक प्राप्त करके पूरे मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी तरह कला संकाय में रोहित कुशवाहा ने हमारे 480 अंक प्राप्त करके 7वां स्थान प्राप्त किया है। और बायोलॉजी समूह में हमारे लवकुश पटेल ने 478 अंक प्राप्त करके 10वां स्थान प्राप्त किया है। मैं इन बच्चों को, इनके अभिभावकों को और हम अपने पूरे शिक्षकों को इनकी उपलब्धि के लिए उनको श्रेय देना चाहूँगा। इनकी कड़ी मेहनत, बच्चों की लगन और हमारे स्टाफ की मेहनत के माध्यम से हम आज इस स्थान पर हैं। और जिस तरह से प्रतिवर्ष इस विद्यालय से हमारे बच्चे मेरिट सूची में आते हैं, इस वर्ष भी हमारे 7 बच्चों ने मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इन बच्चों में खासतौर पर क्या है, मतलब कि किसान से, ये बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ज़्यादातर बच्चे ऐसी स्थिति वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भी विद्या अध्ययन किया है। लेकिन ये ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पूरे वर्ष विद्यालय में अपनी उपस्थिति दी है और एक भी दिन उन्होंने ड्रॉप आउट नहीं किया है। इन बच्चों की मेहनत के कारण और हमारे शिक्षकों की मेहनत के कारण आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। हमारा विद्यालय परिवार पूरा प्रसन्नचित है, खुशी हमें झलक रही है हमारे सबके चेहरों पे, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश में ये स्थान प्राप्त करके ज़िले का गौरव भी बढ़ा है। हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के दिशा निर्देशन, हमारे सीईओ मैडम के दिशा निर्देशन के माध्यम से हम लोग निरंतर शिक्षण कार्य में, आज भी हमारी कक्षाएं 10वीं और 12वीं की संचालित हैं और इसी तरह से हम चाहते हैं कि हमारी अगले वर्षों भी ये कक्षाएं इसी तरह से संचालित होकर के मध्य प्रदेश की मेरिट सूची में हम स्थान प्राप्त करने का प्रयास करें। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उपल, डॉक्टर जयति उपल, डॉक्टर वीना उपल, डॉक्टर आर के उपल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।